नूरमी, एक बहुत ही अच्छी कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू हुआ भी बहुत अच्छा है, बस दुआ करें कि कॉल भी जल्दी से आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, तुम अपनी पसंद बता दो वरना मैं तुम्हारी शादी जबरदस्ती कर दूंगी अपनी पसंद से। सच बताऊं? अच्छा, तो कोई बात है जो मुझसे छुपाई हुई है? हाँ, नहीं, एक्चुअली एक लड़की है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। तो अब तक मिलवाया क्यों नहीं फिर? नहीं, अभी नहीं, पहले जांजेब के लिए लड़की फाइनल हो जाए उसके बाद ही मिलवाऊंगा। और हाँ, उससे पहले मेरे रिश्ते या शादी की कोई बात नहीं होनी चाहिए, प्लीज। तो फिर उस लड़की को आज ही ले आओ, क्योंकि जांजेब ने लड़की पसंद कर ली है। डोंट टेल मी, मतलब जांजेब? जांजेब ने खुद बताया आपको? जी, जांजेब ने मुझे बताया कि उसने लड़की पसंद कर ली है। मैंने उस लड़की से बात कर ली और उस लड़की को भी कोई एतराज नहीं। बस तुम भी जल्दी से अपनी पसंद बता दो, मैं दोनों भाइयों की इकट्ठे शादी कर दूंगी। सच? हाँ। लड़की है कौन, खानदान कैसा है उसका? हाँ, अब बात इतनी आगे बढ़ी चुकी है तो फिर मैं सीधा मिलवाऊंगा ये आपको, और यकीनन आप देखकर उसे दंग रह जाएंगी। तो फिर मैं भी नहीं बताऊंगी कि जांजेब ने किस लड़की को पसंद किया, मैं भी तुम्हें डायरेक्ट मिलवाऊंगी और तुम भी दंग रह जाओगे। आपने तो दिल खुश कर दिया मेरा, अभी आफरीन को बताकर आता हूँ मैं, रुके। नहीं नहीं सुनो, पागल है बिल्कुल। जब इसे पता लगेगा ना आफरीन ही वो लड़की है, शक्ल देखने वाली होगी इसकी। क्या गुम हो गया मामू? आफरीन को देखा? हाँ। कहाँ है? मेरे दिल में हिम्मत है तो निकाल ले। एक रख के दूंगा ना, सारी एक्टिंग निकल जाएगी तुम्हारी। एक्टिंग को तो निकाल लोगे मामू, पर आफरीन को कैसे निकालोगे? देखो मैं बहुत जल्दी में हूँ, आफरीन को देखा तो बताओ। नहीं देखा, वैसे भी मैं नौकरानी को ज्यादा रेफ नहीं कराता। What? इस आशा को यार, तुम कभी वो तुम्हारे दिल में है और कभी तुम्हारी नौकरानी।